हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है रश्मि चौधरी ब्लॉग्स में। तो नवरात्रि चल रही हैं, अभी हम सबके फास्ट हैं, तो आज भी मैं फास्ट की रेसिपी बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने फर्स्ट रेसिपी शेयर करी थी आपको, मैंने स्पेशल व्रत का थाल, तो आप लोगों ने तो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा तो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट ही होता है क्योंकि अच्छा लगता है। मेरे बच्चों का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। मेरा तो फास्ट नहीं होता तब भी मैं बना के खाती हूँ क्योंकि हेल्दी भी बहुत है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो आज हम पोहा बनाएंगे, तो हम चलते हैं रसोई में, पहले पोहा बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. हम बना रहे हैं पोहा। पोहे के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें साबूदाना। साबूदाना मेरे को 3 से 4 घंटे हो गए हैं भिगोए हुए। इसको मैंने भीग गया था, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है और छान के रख लिया है। दूसरा हमें चाहिए बॉईल करे हुए आलू। आलू को मैंने छील के काट लिया है और छोटे छोटे टमाटर काट के रख लिया है मैंने, ठीक है। और घी और सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और हरी धनिया, तो ये सामग्री हमें लगेगी पोहा बनाने के लिए। तो अब पोहा बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है, तो अब इसमें हम 2 स्पून घी डालेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे। इसको हम थोड़ा पका लेंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, इस पर लीड लगा देंगे। अब हम लीड हटा के देखेंगे टमाटर पक गए हैं। तो टमाटरों ने घी छोड़ दिया है और ये पक गए हैं। अब इसके अंदर हम जो बॉईल करे हुए आलू थे वो डाल देंगे। अब इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करके थोड़ी देर लिड लगा के पकने देंगे। जब तक पोहा बन रहा है हम इसके साथ चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो बताती हूँ मैं आपको। चटनी के लिए हमें सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे, और हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आपको ज़्यादा चाहिए तो हरी मिर्च ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम चाहिए तो आप मिर्च कम भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। तो अभी इसको पीस लेते हैं। चटनी हमारी बन गई है, इसके अंदर अब हम नींबू का रस डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। तो अब पोहा देख लेते हैं हुआ कि नहीं, पोहा चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट तैयारी हो गया है। अब इसके अंदर हम नींबू का रस डाल देंगे और हरी धनिया डाल देंगे।
और इसको मिला लेंगे। हो गया रेडी और चटनी भी हमारी बन गई है, तो अब इसको हम प्लेट में लगा लेते हैं और माता रानी को भोग लगाते हैं। हमारा पोहा तैयार हो गया है, मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और आप लोगों ने भी सीख लिया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा पोहा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और जिसने मेरी फर्स्ट रेसिपी नहीं देखी है स्पेशल थाल, तो वो ज़रूर देख लेना। तो वो देख के मुझे बताना कि आपको ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। तो ये दोनों रेसिपी व्रत की हैं, आप व्रत में अच्छे से ट्राई कर सकते हैं घर पे, और दोनों हेल्दी हैं। आप घर पे बनाएंगे आपका पेट भी फुल रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तो आज के ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, तो आपको फिर मिलूँगी। बाय।